हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी किचन में सूजी से इडली, और बनेगा साउथ इंडियन फूड। उसके लिए मैंने ली है सूजी, रवा 1/2 kg, फिर मैंने उसमें ऐड किया है 250 ग्राम, 250 ग्राम दही, और फिर ऐड किया है पानी। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी इसमें इकट्ठा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसमें पानी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद के अनुसार, और नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फिर से चलाएंगे। अब हम इसमें डालने के लिए इसका तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है पैन, डाला है इसमें तेल ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सरसों के दाने। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चने की दाल, और इनको हम धीमी आंच पर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद अब हम इसको रेस्ट पे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। उसी बीच हम तैयार करेंगे नारियल से चटनी। उसके लिए मैंने एक पूरा नारियल लिया था, उसको धो के साफ़ कर लिया है, और ऐसे पीसेस में कट करके हम ग्राइंड जार में डाल देंगे। इस पर मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्च, फिर मैं डाल रही हूँ लहसुन, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद नमक स्वाद के अनुसार, उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा दही, फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा इमली का पानी, और लास्ट में ऐड करेंगे हम प्लेन वाटर, सादा पानी। उसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चलिए हम इस नारियल की चटनी का तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल, और उसमें डाले हैं सरसों के दाने, फिर डाली हम 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है करी पत्ता। तो चलिए, नारियल की चटनी बनकर हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी, और अब हम बनाना शुरू करते हैं इडली। तो इडली हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था उसमें ऐड किया है मैंने 2 इनो के पाउच, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इडली पैन, और उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें 1-1 स्पून भरकर पेस्ट डालेंगे सारे मोल्ड्स में। मैंने इडली का स्टैंड पानी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था, पानी बॉईल हो गया है, और हम इसको ढककर पकने के 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, हम 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अपनी इडली चेक कर लेते हैं। इडली हमारी एकदम बढ़िया बनी है। मैंने सांभर भी बनाई थी, इसकी रेसिपी अलग से यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप प्लीज़ एक बार देखिएगा। तो चलिए, रेसिपी हमारी बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें।